अ फुटबॉल दैट होल्ड्स अ लॉर्ड ऑफ वैल्यू अब फुटबॉल जिसे कौन नहीं जानता राइट अब फुटबॉल दैट हैज़ इंटेग्रिटी डिग्निटी एंड भाई अपनी जगह बना के रखी है फुटबॉल में सिंस मैनी ईयर्स अ फुटबॉल दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पीपल निविया स्टॉम येस टूडे वे मेकिंग अ रिव्यू ऑन दिस फुटबॉल क्या बताऊँ मैं फुटबॉल के बारे में आप लोगों को जो आप लोग को ऑलरेडी नहीं पता है बट टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट वीडियो विद दिस फुटबॉल मैं आपको डिफरेंट चीजें बताऊंगा अबाउट दिस फुटबॉल ये विफ गॉट दिस फुटबॉल अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन द चैनल बट दिस वीडियो दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल वन लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो क्विकली गेटिंग इन टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फुटबॉल एज यूजल नेविया की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है यू सी दीज वेव्स ब्लेड्स जो भी है ये किया गया है ग्राफिक्स ये है स्टॉम यहाँ पे लिखा गया है विद दिस वियर्ड फॉर्म आई डोंट नो फॉन्ट सॉरी रबर मोल्डेड फुटबॉल है ये एज यू गाइस कैन सी सूटेबल फॉर हार्ड ग्राउंड मोस्ट प्रोबेबली आप इसको मड पे कंक्रीट पे या हार्ड ग्राउंड्स के ऊपर खेल सकते हो ब्लैडर आपको ब्यूटाइल देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर भाई ज़्यादा से ज़्यादा हवा रहती है सो so दैट आप एक यूनिफॉर्म गेम खेल सकते हो येस दिस इज अगनर लेवल फुटबॉल मटीरियल टाइप भी रबर है इस मोल्डेड है सो येस यू सी कम्प्लीटली फुटबॉल नो स्टेचिंग नथिंग मोल्डेड है कम्पलीटली ऊपर की लेर भी आप लोग देखो तो रबर है सो येट गेट टू ड्रॉपली ऊपर फेंकेंगे इवन शोल्डर लेवल से भी अगर हम फेंक कर देखेंगे इसको तो दिस डज अ रियली गुड जॉब ओके सो नि स्टॉन्ग के अंदर ये एक चीज बहुत अच्छी क्योंकि रबर है ये फुटबॉल क्योंकि इसकी लेयर रबर है तो अगर आप इसको ऊपर फेंकोगे तो ये उतनी ही ऊपर शूटअप करिए क्योंकि बॉल के अंदर थोड़ी खोखली फीलिंग भी आपको आती है सो लेट्स डू दिल्लिंग विदुटबॉल टू ड्रिबल द फुटबॉल आई नो हम ग्रास के ऊपर ड्रिबल कर रहे हैं जबकि फुटबॉल मड ग्राउंड और हार्ट ग्राउंड के लिए बट ठीक है दिस इज वॉट वी एव लथ गोके सो वी डेड ड्रिबलिंग एंड वी डेड जागलिंग ओके जगलिंग के टाइम पे फुटबॉल एज यूजल मैंने पहले भी कहा है निव्याज शॉम के बारे में आप जब करते हो ना तो हल्की फील होती है ये ये जो है ना भारीपन है बॉल के अंदर बट हल्की फील होती है फॉर सम रीज़न एंड इफ यू आर वेरिंग प्रॉपर शूज़ तो दिस वॉन्ट हर्ट बट अगर आपके शूज़ उतने सही नहीं है या अगर आप नंगे पाओ इसके साथ ये भी करोगे ना तो दोस्त लगने वाली है वेर एज जब हमने ड्रिबल किया तो फुटबॉल ये मूवमेंट जो है ना ये ऑब्वियसली टर्फ के ऊपर थोड़ी स्लो जाती है like, लाइक बॉल जाएगी भी ना तो यू विल फील दिस स्लो क्योंकि ग्रास है ग्रास के ऊपर रबर कभी भी लगती है तो जो फ्रिक्शन है जो स्पीड है वो कम होती है हमेशा यही होता है सो so yes, ये एक चीज़ है निव्यास टॉम के बारे में अभी हम टूट लेंगे सो वी डेड एवरी थिंग विद द फुटबॉल दैट वी यूजली डू मैं कुछ कीन ऑब्जर्वेशन बताऊंगा फुटबॉल जो शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं बताया होगा स्टार्ट विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पहले डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं द डिसएडवांटेज ऑफ द फुटबॉल इज दैट ये खोखली चीज ठीक है ये एक्चुअली सही नहीं है इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल दिस इज नॉट द अप्रोप्रियट थिंग बट द डिसएडवांटेज ऑल्सो दैट इज देयर इन द फुटबॉल इज कि ये फुटबॉल बहुत कड़क है लाइक like, जेनली आपके पैरों को ये लगती है सो इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले विद दिस फुटबॉल यूल हैव टू गिव इन सम टाइम सो दैट आप बॉल को अडाप्ट कर लो टू योर फीट क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लगता है ऐसी फुटबॉल्स के साथ तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि बॉल बिगिनर लेवल की बॉल है ये तो आप ये फुटबॉल से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना आपको लग रहा है यार पाँच सौ के अंदर की फुटबॉल है तो यार मैं खरीद लेता हूँ बहुत टाइम चलेगी ये होगा वो होगा अब ये सारी एक्सपेक्टेशन लेके मत आना एडवांटेजेस फुटबॉल का ये है कि भाई ऑल दो ये फुटबॉल आपको भारी फील होती है बट वंस यू मेक गुड कॉन्टैक्ट विद द फुटबॉल यानी कि जैसे कि अगर आप एक पंद्रह सौ रुपये की फ़ुटबॉल या जो फीफा क्वालिटी प्रो है या फीफा बेसिक प्रो है उसको जैसे शॉट लोगे सेम आप इसके साथ भी करोगे तो ये बॉल भी उसी तरह जाएगी जस्ट दैट थोड़ा हायर जाएगी क्योंकि ये है कड़क लगती भारी लेकिन उड़ती ज़्यादा तेज़ है तो ये फुटबॉल के अंदर थोड़ा इक्वेशन है ये भाई निव्या का है जो है वो ब्रांड ने जो फुटबॉल बनाई है वो है कि वेन इवन वैन यू डू द सेम टेक्निक दैट यू डू विद अ गुड फुटबॉल इफ़ यू डू इट विद दिस ऑल्सो ये बस ज़्यादा ऊपर उड़ के जाएगी तो आपको आपकी टेक्निक आपका पावर थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा विद द फुटबॉल सो दैट ये उस तरह से जाए ये एक एडवांटेज है क्योंकि बिगिनर्स को ये चीज़ एक्चुअली हेल्प करती है इसलिए मैं इसको एडवांटेज कह रहा हूँ अनदर एडवाटेज ऑफ द फुटबॉल इज द कॉस्ट क्योंकि बहुत सस्ती फुटबॉल देखने के लिए मिल जाती है मैं आपको बताऊँगा कॉस्ट क्या है ऑब्बियसली आपको पता है पाँच सौ रुपये के अंडर है बट आई टेल इट टू यू लेटर दूसरा तीसरी चीज तीसरा एडवांटेज ये कि रबर मोल्डेड फुटबॉल है तो ड्यूरेबिलिटी फुटबॉल की आपको बहुत तगड़ी देखने के लिए मिल जाती है अभी मैंने डिसएडवांटेज में ये कहा कि आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी ये सारी चीज़ें लेकिन माय एक्सपीरियंस विद द फुटबॉल जितना रहा है वो ये है कि भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रही है हमेशा इवन इफ यू प्लेड इट ऑन कॉन्क्रीट हार्ड ग्राउंड टफ सर्फिस पे दैट ब्रिंग्स इज टू द फोर्थ एडवांटेज जो कि है इसका सोफेस लेवल जहाँ पर भी आप इसको खेल सकते हो जिस इजन आई डोंट नो ऑल कंडीशन फुटबॉल तो, तो यह है नहीं बट ये वर्क सब जगह कर जाती है प्रैक्टिकल लाइफ अगर आप देखो तो आप टफ पर भी अगर इसको लेके आओगे इवन इफ यू डोंट हैव ए फुटबॉल वर्स के नारियो तो भी आपको ये फुटबॉल जम जाएगी लेकिन हाँ मोस्टली इंडिया में या इट इज़ अराउंड मी या अगर आपके अराउंड भी ऐसा होता होगा लॉर्ड ऑफ पीपल प्ले ऑन कॉन्क्रीट अलॉट ऑफ पीपल प्ले ऑन मड रफ सर्फिस के ऊपर खेलते हैं जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं uh, क्या कहते हैं ऐसी सर्फिस होती है जो कि बहुत खुरदुरी होती है अन ईवन होती है वहाँ पे लोग खेलते हैं तो वहाँ पे यू नीड अ फुटबॉल जो कि चले जो कि हमारे इंडियन ग्राउंड के हिसाब से चले तो निव्या स्टॉम परफेक्टली डिफाइन करती है वो चीज़ को दिस इज़ द परफेक्ट फुटबॉल फॉर इट येस बस ये फुटबॉल थोड़ी सी आपको हार्ड फील होती है नाउ कमिंग टू द कीन ऑब्जर्वेशन जो मैं बताने वाला था ठीक है आई डोंट नो बट दिस फुटबॉल जिस फिट्स इन योर हार्ट आई डोंट नो मतलब ये हर जगह चल जाती है लाइक एवरीबडी नीड्स ऑफ फुटबॉल जो कि बिगिनर लेवल की हो अगर हम सोसाइटीज़ में ग्राउंडस पर खेलना चाहते हैं एंड वीनीड परफेक्ट फुटबॉल की यार जल्दी से अपर लेयर वेयरआउट ना हो आपको उसका क्या कहते हैं जो कि फोम पैडिंग ना दिखने लग जाए या अंदर का जो मैश है वो जल्दी से ना दिखने लग जाए जो फुटबॉल के राउंड होता है वीनी ड फुटबॉल जो कि टिके कम लगे अच्छा ट्रैवल भी करें इवन अगर आप बारिश में भी खेलना चाहते हो तो ये भी फुटबॉल वो चलती है लॉट ऑफ पीपल मिस अबाउट दिस निव्या स्टॉम इज़ दैट द तो फुटबॉल इज मेड इन द आई नो इट्स मेड इन अ माइंड सेट जहाँ पर ये ग्राउंड और इन लोगों को ये पब्लिक को एक्चुअली दिमाग में रखा गया कि ये लोग भी खेलते हैं और हमें इन लोगों के लिए फुटबॉल बनानी चाहिए जो कि इस तरह की परफॉर्मेंस है क्योंकि देखो आप देखो ना अगर बेसिक चीज़ें ब्यूटाइल ब्लॉडर है ठीक है सब फुटबॉल में होती है रबर मोल्डर है ठीक है इन मैनी वेल खोखलापन है येस यू गेट इट एंड मैनी फुटबॉल आज वेल वेट लगती है भारी पट उतनी है नहीं इसका वेट भी होगा कुछ थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड नहीं आई गेस थ्री नाइन्टी थ्री नाइन्टी तो नहीं फोर टेन फोर फिफ्टीन ग्राम्स उसके अराउंड ही होगा सबको लगता है ऐसी फुटबॉल हो कुछ हो जिससे आई नो आई डोंट नो इट जस्ट फिट्स मतलब आप जो शायद बयान भी नहीं कर पाओ कि मेरे को फुटबॉल से क्या एक्सपेक्टेशन है या हम कभी कहाँ खेलते कभी कहाँ खेलते हैं हर जगह फुटबॉल आपके काम आ जाती है अब ये मेरे हिसाब से ऐसा क्यों है निविया स्टॉम के साथ क्योंकि आई थिंक द मटीरियल दैट नेविया हैज़ यूज इसके अंदर वो बहुत अच्छी चीज़ है इवन व्हेन आई लुक एट द फुटबॉल ठीक है दिस लुक्स लाइक अ फुटबॉल दैट कैन हर्ट यू ऐसा नहीं है कि नहीं है एंड एट अ सर्टन लेवल अगर आप शायद कंप्लीटली बिगिनर हो बट थोड़ा सा अगर आपके अंदर वो स्विंग ऑफ द फुट ऑफ द फुट है तो फिर

इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है जब भी हमने गया स्टॉम के ऊपर फुटबॉल को हमेशा कंपेरिजन में यूज़ करते हैं या अगर हमने कभी कोई वीडियो बनाया था तो ये सारी चीज़ें हैं पीपल हु शुड बाई दिस फुटबॉल करेक्ट है बहुत ज़्यादा आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस टफ्स ऑफिस टफ्स ऑफिस पे पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पैसे की कमी आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनी वन लेकिन भाई देखो 12 साल के बच्चों लोग को फुटबॉल खेलना है भाई घर से 40 रुपए लाना बहुत बड़ी डील हो जाती है अगर आठ लोग खेल रहे हैं डू द मैथ गाइस इस एट इंटू थ्री ट्वेंटी रुपीज़ कर लो चालीस लोग रुप चालीस रुपये आठ लोग लेके आ रहे हैं फोटी इंटू एट करो तीन सौ बीस रुपये होते कॉस्ट फुटबॉल की थ्री सिक्सटी रुपीज़ की आपको मिल जाती है फुटबॉल सस्ती से सस्ती अमेजन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर आप कहीं भी देखने जाओ तो भाई मतलब क्या चालीस के बजाय पचास ले आना भाई आपको मिल जाएंगे साढ़े चार सौ रुपये हो जाएंगे आपके जो पैसे बच जाएंगे भाई उसकी कोल्ड ड्रिंक पी लेना खेलने के बाद या कुछ ना कुछ आप खा पी लेना जो भी है कर सकते हो सो दिस फुटबॉल कॉस्ट पर हैड इफ़ यू हैव पीपल हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट फोर्टी फाइव फोर्टी रुपीज फिफ्टी रुपीज़ दैट्स एट दैट्स लाइक आई एटलीस्ट आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है यू गेट टू प्ले विद एट सो द बॉल डजन आज फॉर अ लॉट बट गिज यू अ लॉट ऐसा हम इसको कह सकते हैं सो येस निव्यास्टॉम यही है भाई थ्री सिक्सटी रुपीज़ के निविया स्टॉम देखने के लिए मिल जाती है आई मेड दिस वीडियो बिकॉज आई फील आई ओ इट टू निव्यास्टॉम देट आई शुड मेक एन इंडिविजुअल वीडियो ऑन एट में हमेशा इसको कंपेरिजन के लिए यूज़ करता हूँ हमेशा फुटबॉल पाँच सौ रुपये के अंडर होती है उसके लिए यूज़ करता हूँ पाँच हज़ार की फुटबॉल और पाँच सौ रुपये की फुटबॉल में मैं हमेशा निव्या स्टॉक यूज़ करता हूँ बिकॉज एज आई सेट जिस फुटबॉल डजन आस्क फॉर अ लॉट डजन आस्क यू फॉर अ लॉर्ड ऑफ मनी इट्स बेसिक मनी बारह साल के बच्चे तेरह साल के यंग टीनेजर्स कैन गेट फिफ्टी रुपीज़ फोर्टी रुपीज़ अपने घर से एंड इवन इफ दे के नॉट तो यार कोई ना कोई तो तीन सौ रुपये तीन सौ साठ रुपये निकाली देगा तुम्हारे लिए सो येस इसलिए मैं ये फुटबॉल यूज़ करता हूँ और फुटबॉल दैट फिट्स इन माई हार्ट फुटबॉल विथ इंटेग्रिटी फुटबॉल विथ डिग्निटी फुटबॉल दैट होल्ड्स प्लेस आज भी मार्केट के अंदर फुटबॉल दैट एवरीबडी जस्ट नोज बाई नेम इफ़ यू सी निवेर सॉम यू कैट द इमेज ऑफ निवेर सॉम इन योर हेड सो ये सारी चीज़ें हैं फुटबॉल के बारे में आई एम ग्लाड आई मेट दिस वीडियो आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाना प्लीज़ हमेशा बोलता हो क्या करो शेयर किया करो दोस्तों के साथ फैमिलीज़ के साथ भी शेयर किया करो एंड येस आई थिंक इफ यू वॉन्ट ऐसे ही वीडियोज़ अगर इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक ऑन मोर सच फुटबॉल्स या इवन ऑन एनी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट यार तो आप तो आप लोग मेरे को बता सकते हो ऑब्वियसली हम करेंगे बट दिस वॉज फॉर निव्यास स्टॉम साइज वाई ऑल्सो हाँ सॉरी जिस बात में आपको उसके अंदर येलो और व्हाइट कलर एंड ये वाला कलर देखने के लिए मिल जाता है लाइक शर् सर शायद प्लीज कर दैन एंस यू गाइज नेक्स्ट